मोदी सरकार की दूसरी पारी का पहला बजट आज वित्त मंत्रालय पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, थोड़ी देर में राष्ट्रपति से मुलाकात। बजट में नौकरी पेशा लोगों को राहत के आसार, निवेश और होम लोन कर्ज पर छूट बढ़ाने के संकेत, 5 से 8 लाख तक नया इनकम टैक्स लाभ मुमकिन। बजट से किसानों को मिल सकता है अच्छे दिन का वादा पूरा, किसानों के लिए आ सकती है ब्याज मुक्त कर्ज योजना, कृषि फंड के भी आसार। गुजरात की 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव आज, बनासकांठा से गांधीनगर के लिए रवाना हुए कांग्रेस के विधायक। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक आतंकी ढेर, नरवानी के बगीचे में गोलीबारी जारी, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा। को प्रेजेंटेड बाय बर्जर पेंट्स, पेंट योर इमेजिनेशन। को पावर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, साइरस पूनावाला ग्रुप। नमस्कार, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक के इस महा कवरेज पर जो बजट को लेकर हम हाजिर हैं। आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी कंडवाल, मेरे साथ यहाँ पर चित्रा त्रिपाठी मौजूद है और तमाम गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं, सिर्फ 2 घंटे का वक्त बाकी है जब निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री पहुंचेगी सदन में और बजट को लेकर देश की जो उम्मीदें हैं उसे जाहिर करेंगी कि आखिर किसको क्या मिलने वाला है, कहां क्या रुकने वाला है। लेकिन जब अब लगातार कवरेज की हम बात कर रहे हैं तो अब मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगी ऑटोमोबाइल सेक्टर का भी, क्योंकि जो एक चमचमाती दुनिया इसके इर्द गिर्द नजर आती है उसके मद्देनजर सबसे बड़ी समस्या ये है कि पिछले 8 साल के सबसे घाटे का समय इस वक्त ऑटोमोबाइल सेक्टर देख रहा है। और बिजॉन मिश्रा जी, यहाँ पर देखना ये भी होगा कि टैक्स इंसेंटिव्स की उम्मीद वो कर रहे हैं, रिफॉर्म्स की उम्मीद वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पिटारे से उन्हें क्या मिलेगा, इसको लेकर उम्मीदें तमाम हैं। नहीं, हम लोग डेफिनेटली उम्मीद कर रहे हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में वो इंसेंटिवाइज करें और लोगों को संभव कराए कि वो खरीद सके। यूसी, सेकेंड हैंड यूज्ड कार्स की जो बिजनेस है उसको भी एक ऐसा रूप देना चाहिए कि लोगों को आसानी से यूज्ड कार्स खरीद सके वो, और नई कार जो खरीद सकते हैं, नई कार का तो जो डिमांड है वो डिमांड बढ़नी चाहिए, और जिससे क्या होगा कि इंडस्ट्री पे एक इम्पिटस आएगा, इंडस्ट्री में एक ग्रोथ आएगा। और आपको सबको मालूम है कि हमारे देश में आज ऑटोमोबाइल सेक्टर में जितने एंसिलरी यूनिट्स हैं स्मॉल स्केल में जी, वो लोग वर्ल्ड क्लास हैं, वो लोग बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। आप बात पूरी कीजिएगा, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी, लेकिन आपको बता दें सुबह के 9 बज चुके हैं, सिर्फ 2 घंटे का और इंतजार। निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे पेश करेंगी बजट, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वित्त मंत्रालय दोनों ही बड़े नेता यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर दोनों ही पहुंच चुके हैं। एक तरफ युवा जोश अनुराग ठाकुर के रूप में, तो दूसरी तरफ पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण के खजाने से आज उस पिटारे से क्या निकलता है ये महत्वपूर्ण। और ये देखिए हवन पूजन की तस्वीरें आपके सामने हैं, चूंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला है और इसी वजह से आम आदमी के अच्छे दिन आए उसके लिए हवन पूजन का कार्यक्रम भी निर्मला सीतारमण की तस्वीरों के साथ शुरू हो चुका है। आपको बता दें बजट मंजूरी के लिए सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है। एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा आपको देते चले, सबसे ज्यादा 10 बार मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया है, उसके बाद पी चिदम्बरम का नंबर आता है, लेकिन पहली बार निर्मला सीतारमण मोदी सरकार पार्ट 2 का ये पहला बजट पेश करने के लिए जा रही है, जिसके लिए हवन पूजन का कार्यक्रम भी चल रहा है। ऐश्वर्या हमारी संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। ऐश्वर्या, आप जहां पर मौजूद हैं वहां से किस तरह की और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है? खबर यह है 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें बजट पर मुहर लगाई जाएगी। ऐश्वर्या, सबसे बड़ी बात जो इस समय मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि हमने देखा कुछ ही मिनट पहले किस तरीके से निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर दोनों अंदर गए हैं, अंदर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, ब्रीफकेस लेके कुछ ही मिनटों के अंदर आप देखेंगी कि निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर और जो बजट की पूरी टीम थी वो लोग बाहर आएंगे। वो ब्रीफकेस, बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रीफकेस निर्मला सीतारमण के हाथ में होगा, उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन जाएंगी और 11 बजे जो है ये जो बजट है ये टेबल किया जाएगा। बहुत एक इंपॉर्टेंट बात जो हमें मालूम पड़ी है सूत्रों के हवाले से वो ये है कि 5 से 8 लाख रुपये तक का एक नया टैक्स स्लैब होगा। अभी तक
ढाई लाख रुपए तक जो था टैक्स एग्जेम्पशन था वो बढ़ के 3 लाख रुपए भी हो सकता है। किसानों के लिए इस बजट के अंदर जो हमें सुनने में मिल रहा है बहुत से मुनाफे होंगे, बहुत से फायदे होंगे। 11 बजे हमें मालूम पड़ेगा कि इस साल का बजट जो निर्मला सीतारमन जो प्रेजेंट करेंगी उसके अंदर क्या होगा। महत्वपूर्ण बात ऐश्वर्या आप बता रही हैं और मीनाक्षी यहाँ पर दर्शकों के लिए हम बता दें, जब आजाद भारत का पहला बजट देखिए, बजट भाषण कितना लंबा होता है इस पर भी देश भर की निगाहें टिकी रहती हैं कि कितने देर का होगा, कितने घंटे का बजट भाषण दिया जाएगा। आजाद भारत का पहला बजट 39 पैराग्राफ का था, जबकि 2014 में जो पहला बजट मोदी सरकार का पेश किया था अरुण जेटली ने वो था 253 पैराग्राफ का। तो आज किस तरह का बजट पेश किया जाता है ये महत्वपूर्ण है और हमारी और आपकी सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है, खासतौर से नौकरी पेशा लोगों की कि टैक्स में किस तरह की रियायत मिलेगी। जब आप बजट भाषण का ही चित्र जिक्र कर रही थी तो प्रणब मुखर्जी ने भी एक बार जब बजट पेश किया तो उनके लिए गांधी परिवार की तरफ से ये कहा गया जी ने कहा था, इंदिरा गांधी ने कहा बट स्पीच इज वेरी लॉन्ग। बिल्कुल, तो इस तरह से उनके वित्त मंत्री के तौर पर का बजट था जब इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी ओर से ये बयान दिया गया था जो मीनाक्षी बता रही है। लेकिन बस कुछ देर का और इंतजार और उसके बाद बजट में क्या क्या बड़ी बातें हैं वो निकल कर सामने आएंगी। विनोद जी जल्दी से मैं चाहूंगी 2 लाइन में आप बताइए किस तरह की बड़ी उम्मीदें, अब चूंकि वक्त बेहद कम है, 2 घंटे का और इंतजार, क्या बड़ा ऐलान हो सकता है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि 5 लाख तक की इनकम को कम्प्लीटली टैक्स फ्री करने के की तरफ सरकार बढ़ रही है। पिछली बार 5 लाख तक की रिबेट दी गई थी, अब तक शायद एग्जम्पशन लिमिट के बाद 5 लाख तक जाने की सरकार की इंटरनल तैयारी मेरे को लगती है, क्योंकि जिस हिसाब से जो चुनाव का पत्र हमने देखा उस हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बड़ी तैयारी होगी। मेरे को ऐसा लगता है कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए बहुत बड़े कदम उठाने वाले हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट के लिए है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर के लिए है, चाहे वो और भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जैसे ऑटोमोबाइल का आपने कहा, अगर इलेक्ट्रिक कार हमें इस देश में लानी है या इलेक्ट्रिक स्कूटर हमें इस देश में लाने हैं तो उनको इंसेंटिवाइज करना होगा। चंदन सिंह जी आप बताइए, मार्केट गुरु के तौर पर आप चंदन शीतलता देती है, आज इस बजट से किस तरह की शीतलता आम जनता को मिलने वाली है? देखिए बजट की बातें होती हैं सिर्फ पैसा, जॉब और ग्रोथ, तब से ही बातें हो रही हैं। पैसा कहाँ से आएगा, जॉब कैसे बनेगी और ग्रोथ कैसे होगी? पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आएगा विनिवेश से। अब सरकार PSU पे विनिवेश करे, RBI थोड़ी मदद करे, डिविडेंड ज़्यादा दे, पैसा आ गया। ग्रोथ के लिए कॉर्पोरेट टैक्स कम करे और स्टार्टअप्स के लिए 3 से 5 साल का उनको टैक्स भी दे दे, बिल्कुल उससे जॉब आ जाएगी। जब पैसा आ गया, जॉब आ गई तो ग्रोथ अपने आप बन जाएगी। बहुत छोटा, बहुत मतलब पैसा भी आ रहा है और जॉब भी आ रही है, आप कह रहे हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। जब पैसा आएगा तो जॉब बन जाएगी, जॉब आएगा ग्रोथ हो जाएगी। ये तो मतलब लेकिन मीनाक्षी दोनों हाथों में लड्डू की तरह है कि पैसा भी आ रहा है और जॉब भी आ रही है। लेकिन मुझे लगता है चिंता की बात यह है कि रोजगार को लेकर जो दावे जिस तरह से हुए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन जमीन पर किस हद तक हुआ है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार की है। हो नहीं पाया, उसको करने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स कम करना चाहिए और स्टार्टअप को बढ़ावा देना चाहिए। एक जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मिनिमम वेजेस को बढ़ाया जाएगा और एक विजन रहेगा, एम्प्लॉयमेंट को एक रियल टेंजिबल रूप दिया जाएगा। उसी तो हम लोग ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयड लोगों को भी कुछ डोज, कुछ अलाउंस मिले। तस्वीरें आ रही हैं दर्शकों को, मैं चाहूंगी आप जरूर बताएं इसके बारे में। चलिए ये तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने आ गई हैं और आप देख रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथ में बजट की कॉपी, और यही वो कॉपी है जिसका इंतजार है इस वक्त पूरे देश को कि जब ये फाइल खुलेगी तो इसमें से आखिर किसके लिए क्या निकलेगा। एक और महत्वपूर्ण बात मीनाक्षी जिसको मैं कहना चाहूंगी, देखिए अब तक जो बजट का ब्रीफकेस हम देखते रहे हैं, मुझे लग रहा है शायद हमारे एक्सपर्ट और ज्यादा इस बारे में बताएंगे, पहली बार इस तरह से लाल रंग के कपड़े में पैक है और बेहद खूबसूरती से ये जो बजट की कॉपियां हम देख रहे हैं निर्मला सीतारमण के हाथ में है, वो खुद भी पिंक कलर के जो है साइन कराए जाएंगे, राष्ट्रपति से अप्रूवल लिया जाएगा बजट पर, और उसके बाद राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद जो है निर्मला सीतारमण सीधा संसद भवन जाएंगी और वहां पर कैबिनेट मीटिंग के अंदर बजट को जो है अंतिम मोहर लगाई जाएगी और उसके बाद सीधा निर्मला सीतारमण जो है लोकसभा के अंदर बजट को पढ़ेंगी। और आप देख सकते हैं कि उनके साथ वित्त मंत्रालय के तमाम अधिकारी हैं और साथ में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी हैं, और अब यहां से निर्मला सीतारमण जो है वो निकलकर सीधा राष्ट्रपति भवन जाएंगी और वहां पर लगभग आधे घंटा जो है वो निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ चाय पियेंगी और बजट के ऊपर राष्ट्रपति की मोहर लगाई जाएगी। और आप देख सकते हैं कि अब निर्मला सीतारमण जो है वो वित्त मंत्रालय से निकल रही है और यही आपको आज पता चल जाएगा कि मोदी सरकार बनने के बाद दूसरी बार किस तरीके का बजट रहने वाला है, आम आदमी को क्या मिलेगा इस बजट से, क्योंकि निर्मला सीतारमण देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। इससे पहले मोदी सरकार ने 6 बजट पेश किए हैं, 5 फुल बजट और 1 अंतरिम बजट, और अब देखना यह होगा कि मोदी सरकार क्या आम आदमी के लिए लेकर आएगी, क्योंकि मोदी सरकार ने चुनाव में जाने से पहले बीजेपी
बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट के अंदर जो घोषणाएं की थी उनको इस बजट के अंदर क्या अनुमति मिल पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आम आदमी की बात इस विजन डॉक्यूमेंट में बीजेपी के कहा गया था, जिसको चुनावी घोषणा पत्र कहा जा सकता है, लेकिन बड़ी बात यही है कि आम आदमी को इस बजट से क्या मिलने जा रहा है। क्योंकि सबको उम्मीद है कि मोदी सरकार के इस पहले बजट में बहुत कुछ उनको मिलेगा। कैमरामैन सुधीर कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और चित्रा देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर यह है कि एक दौर हमने ये देखा जब काले रंग के ब्रीफ केस में बजट होता था, फिर रेल मंत्री जब ममता बनर्जी रही हैं तो उस समय में वो झोले में लेकर बजट को आई थी, और आज हम देख रहे हैं अलग तरह की फाइल में आपको लाल रंग से पूरा ये रेड है। मैं उम्मीद कर सकती हूँ वेलवेट का ये कपड़ा है जिसके ऊपर बेहद खूबसूरती से और गुलाबी रंग की साड़ी में निर्मला सीतारमण मुस्कुराते हुए ये बताने की कोशिश अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए कि देखिए बहुत अच्छा होने वाला है बजट, लेकिन लोगों के गुलाबी दिन यानी कि अच्छे दिन कितने आने वाले हैं ये महत्वपूर्ण रहेगा देखना। लेकिन मीनाक्षी एक और बात बेहद दिलचस्प है, देखिए कहा जाता है जब महिलाएं बजट बनाती हैं तो वो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखती हैं, तो मैं पूरी उम्मीद कर सकती हूं कि आज बड़ी राहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस पिटारे से कुछ निकलने वाला है। एब्सोल्युटली, और बिल्कुल इंतजार इसी बात का है कि जब 11 बजे सदन के पटल पर ये रखा जाएगा और इसे पढ़ना शुरू करेंगी वित्त मंत्री, तो इसमें जो जिस बात का जिक्र हिमांशु कर रहे थे विजन डॉक्यूमेंट के तौर पर, कौन सी ऐसी बातें होंगी जो बजट में भी शामिल होंगी और किस हद तक मिडिल क्लास का ख्याल रखा जाएगा, जो तमाम चुनावी वादे भी थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैंडेट मोदी सरकार को मिला है और बड़े मैंडेट के साथ में उम्मीदें भी उतनी बड़ी हो जाती है। मैं चाहूंगी वेद जी आप प्लीज इस पर जरूर कॉमेंट करें। देखिए इन्हीं बातों में ध्यान रखते हैं। देखिए महिला वित्त मंत्री होने की वजह से, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि महिलाएं घर का बजट चलाती हैं, तो उनको पता है कि एक आम आदमी के घर में क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या आज की डेट में बजट में मुझे सुविधाएं देनी चाहिए, और मुझे जरूरी ये लगता है कि वित्त मंत्री होने के नाते महिला वो उस बात का पूरा पूरा ध्यान रखेंगी। और जो छूट आज की डेट में जो मैं समझ रहा हूँ जो टैक्स पेयर उम्मीद कर रहे हैं, वो उनको उम्मीद ये है कि उनको आज की डेट में जो टैक्स प्रणाली है उसके अंदर जो आप 2.5 लाख का जो स्लैब है उसको बढ़ाया जाए, जो 3 लाख के बढ़ाने की बात हो रही है, जो 1.5% से 20% के स्लैब में डिस्टोर्शन है उसको घटा के 5 लाख 8 लाख का करने की बात हो रही है, वो अपने आप में बहुत है। एक साथ साथ वित्त मंत्री का एक मैं समझ रहा हूँ वो इकोनॉमिस्ट भी हैं, वो महिला वित्त मंत्री के अलावा एक इकोनॉमिस्ट भी हैं और वो इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि वो अपने बजट में इस बात का ध्यान जरूर करेंगी कि देश को आज की डेट में निवेश की बड़ी सख्त जरूरत है। ये निवेश ही है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। ये महत्वपूर्ण बात है आपने कही सर। 5 अलग अलग तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं और जो आपने कहा कि उनको जानकारी भी है अर्थव्यवस्था की, दर्शकों को बता दें 2014 में 26 मई 2014 में स्वतंत्र चार्ज के तहत निर्मला सीतारमण को मिनिस्टर ऑफ स्टेट का पद दिया गया और इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर का कार्यभार भी दिया गया। बाद में हमने रक्षा मंत्री के तौर पर भी उनके कार्यकाल को देखा और अब वित्त मंत्री के तौर पर भी उनके सामने चुनौतियां हालांकि बहुत ज्यादा है, लेकिन उम्मीद मैं चाहूंगी सर आप इन तस्वीरों पर आपकी पुड़ी जरूर करें। सभी के सभी जितने भी अधिकारी हैं और साथ ही वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री सभी मुस्कुराते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या ये मुस्कुराहट आम जनता के चेहरे पर भी आएगी बजट भाषण सुनने के बाद? मुझे ऐसा लगता है जो मुस्कुराहट है ये आम आदमी तक पहुंचाने की प्रक्रिया सामने नजर आ रही है। जिस तरह से मुस्कुराहट है, देखिए जो खासतौर पर एग्रीकल्चरिस्ट है या फिर आम आदमी, उस तक क्या राहत पहुंचेगी देखने वाली बात है। और किस तरह से जो जैसे उन्होंने पेंशन की अनाउंसमेंट किया कि ट्रेडर्स को पेंशन देंगे, मेरे को लगता है इस बजट में डेफिनेटली प्रावधान उसका किया गया होगा। और ये जो 50 लाख तक का लोन देने वाली बात है उसका कमिटमेंट मेरे को लगता है आज सरकार की तरफ से बजट के माध्यम से होगा, तो उससे एक MSME जो नया स्वरूप लेके उभरेगा उससे डेफिनेटली बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की उम्मीद है। खाली हमें स्टार्टअप के लिए भरोसे हम इसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पूरे देश में जब तक उद्योग धंधों का इजाफा नहीं होगा हम। और ये दो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, देखिए जो अंतरिम बजट पेश किया गया था पीयूष गोयल की ओर से वो तस्वीरें दर्शकों के सामने हैं और आज बजट पेश करने वित्त मंत्रालय के सामने की ये तस्वीरें जो अपने आप में बेहद खास। अंतरिम बजट में लोक लुभावन वादे थे, हालांकि कुछ ऐसे बड़े फैसले नहीं थे क्योंकि चुनाव नजदीक था, लेकिन आज उम्मीदें बहुत ज्यादा। और देखिए पहले ब्रीफ केस जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं और अक्सर हमने देखा है ब्रीफ केस के जरिए ही वित्त मंत्री सामने आते रहे हैं, लेकिन निर्मला सीतारमण का ये बदला अंदाज और ये जो बदला हुआ बजट है, कम से कम उसकी जो पैकिंग है, क्या उसके जरिए देश में कुछ खास आने वाला है? चंदन जी किस तरह की उम्मीद है और इन दो तस्वीरों पर टिप्पणी? सबसे पहले टिप्पणी तो देखिए, क्योंकि महिला पेश कर रही है बजट, तो खूबसूरती की उम्मीद तो कर ही रहे थे हम लोग, तो देखिए बजट का पिटारा ही बदल दिया।
काले बक्से से सुंदर लाल रंग का वेलवेट में लिपटा हुआ बजट आ गया। और क्योंकि ये महिला हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखेंगी कि जो चीज़ें घर की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ छूट मिले, और जो आम आदमी जिनकी इनकम के स्लैब में आता है उनको कुछ राहत मिले, जिससे कि कम से कम